वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए, खास करके जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मल्टीपल अकाउंट को जो है एक ही डिवाइस में कैसे योनो के थ्रू जो है लॉगिन करें, तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना के लाया हूं। मैं उनको बताऊंगा कि आप जो है एक ही डिवाइस में अपने योनो ऐप को दो अकाउंटों से लॉगिन कर सकते हैं, या आपके पास तीन अकाउंट हैं तो तीन एप्लीकेशन एक ही एंड्रॉइड डिवाइस में आप यूज कर सकते हैं, वो भी अलग अलग अकाउंट की इंटरनेट बैंकिंग की आईडी पासवर्ड के थ्रू। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको बारीकी से बताऊंगा और बहुत ही आराम से समझाऊंगा, तो समझने की कोशिश भी करना और उम्मीद करता हूं कि आप जो है पूरी तरीके समझ के और उसे जो है कर सकें। तो मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको दो मेथड बताऊंगा, एक तो उन लोगों के लिए जिनके पास एमआई का हैंडसेट है और एक उन लोगों के लिए जो एमआई के अलावा दूसरी अदर कंपनियों के हैंडसेट यूज कर रहे हैं। तो दोनों तरीके का मैं मेथड इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप जो है ड्यूल या ट्रिपल जो अकाउंट एक ही डिवाइस में कैसे लॉग इन कर सकते हैं अपनी अलग अलग इंटरनेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड को डालने के बाद। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक ही डिवाइस में तीन जो है इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक साथ में लॉगिन करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाना। अगर बीच में स्किप करेंगे तो मिसिंग भी हो सकती है, कोई पॉइंट आपसे मिस हो सकता है, आप जो है क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट पॉइंट। ज्यादा एप्स का झंझट, ओह नो नो, यू ओनली नीड वन ब्रो, You only need one. Do everything and you soak up the sun. You only need one. Yono, lifestyle and banking, dono. तो मैं आ गया हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। अगर देखिए आपके पास एमआई का हैंडसेट है तो बहुत ही इजी रहेगा आपको दो अकाउंट लॉगिन करने के लिए। अगर एमआई का हैंडसेट है तो मैं आपको बता दूं, आपको सिंपली चला जाना है सेटिंग में अपने, और सेटिंग में चले आइए, नीचे की साइड पे आपको एक मिल जाएगा यहाँ पर ड्यूल ऐप का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्यूल ऐप का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ड्यूल ऐप पर क्लिक करेंगे, और ड्यूल ऐप पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आप जो ऐप अपना ड्यूल ऐप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं SBI योनो को ड्यूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, नीचे से तीसरा आ रहा है आप देख सकते हैं, तो इसके आगे केवल ये एक बटन सा आ रहा है, तो मुझे इसे केवल जो है ऑन कर देना है। तो मैंने इसे सिंपली ऑन कर दिया है और ये देखिए आइकॉन एडिट टू होम स्क्रीन का मैसेज आ गया है। अब ये मेरी होम स्क्रीन पे जो है SBI योनो का दूसरा एप्लीकेशन जो है डुप्लीकेट बन गया होगा, तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए सबसे पहले तो मेरी स्क्रीन पर ये पहला वाला है, चलिए मैं इसे भी वहीं लेके चलता हूँ लास्ट में जहाँ पर मेरा अभी ड्यूल वाला आया है। तो ये देखिए सबसे पहले मेरा ये और ये दूसरा वाला है, तो ये मेरे दोनों जो ऐप हैं वो आ गए हैं। देखिए आप SBI योनो है, ड्यूल ऐप ये हो चुका है। तो आपको मैं पहले दिखा दूँ ये फर्स्ट वाले को जिसमें मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो मैं इसे लॉगिन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसे देखिए मैंने ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद ये आप जानते ही हैं कैसे लॉगिन करना होता है। इसमें आपको ट्विन वन चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो पहले तो ये ओल्ड वाले को मैं लॉगिन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पर अपना एम पिन डालने के बाद अब आपको मैं दिखाता हूँ ये मेरा दूसरा अकाउंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा, यहाँ पर आप मैंने टैप टू व्यू बैलेंस पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए मेरा अकाउंट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा आ रहा है। तो ये आप गौर से देख लें, आप कहीं ये ना कहें कि मैं आपको फेक वीडियो दिखा रहा हूँ। तो ये आप अकाउंट नंबर देख लीजिए मेरा, इसमें ये वाला लॉगिन है। तो चलिए अब मैं इसे यहाँ से कर दे रहा हूँ लॉग आउट, तो यहाँ से मैंने इसे कर दिया लॉग आउट। इसके बाद आप दूसरे वाले को ओपन करते हैं, तो ये देखिए अब इसमें आपको एक दूसरी चीज़ और सीखने को मिल जाएगी कि फ़र्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करते हैं। मैंने वीडियो बनाया भी हुआ है और इस वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका क्लियरली बिल्कुल न्यू ऐप है दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला आ रहा है। तो इस वाले को जो है हम क्लिक कर रहे हैं, तो इस दूसरे वाले ऐप को जब हम क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल नई तरीके से खुल के आएगा, जैसे आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए कुछ इस तरीके से आया है। अब आपको नीचे यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, न्यू टू SBI एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो ऑलरेडी आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर पे चले जाइए और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको यस करना है, और यस करने के बाद जो है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, यहाँ पर अपना इंटरनेट बैंकिंग का जो है यूजर नेम और पासवर्ड डालिए जो दूसरा अकाउंट आप यहाँ पर लॉगिन करना चाह रहे हैं उसका। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है यूजर नेम और पासवर्ड दूसरे वाले अपने अकाउंट का एंटर किए दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया, इसके बाद नीचे आ रहा है सबमिट, तो मैं सबमिट पे सीधा क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट टाइम ये देखिए कुछ इस तरीके से खुल के आता है, तो इसे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके पढ़ लेना है, ना पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ रहा है आपको एक मिल जाएगा नेक्स्ट का, तो आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये एम पिन बनाने के लिए बताएगा। आप 5 डिजिट, सॉरी यहाँ पे एक 6 डिजिट का जो है आप एम पिन क्रिएट कर लीजिए, जैसे आपने पहले किया था सेम उसी तरीके से आपको इसमें करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट से एक न्यू एम पिन क्रिएट किए ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है न्यू एम पिन डाल दिया और री एंटर भी कर दिया है। इसके बाद नीचे आ रहा है नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक ओटीपी आपके पास पहुंच जाएगा। आप अपनी मोबाइल में देख लीजिए, जो आपका रजिस्टर मेरे पास आ चुका है तो उस पर मोबाइल पे आ गया होगा, आप उसे देख के डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो है अपना ओटीपी एंटर कर दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट का मिल जाएगा, तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। तो नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में चलेगा और आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब यहाँ पर आ रहा है गो टू लॉगिन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। गो टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है एम पिन और यूजर नेम पासवर्ड दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, आप जैसे चाहे वैसे जो है लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने एम पिन और लॉगिन आईडी का दो ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर, तो चाहे तो आप यूजर विद लॉगिन आईडी पे कर लीजिए और चाहे तो लॉगिन विद एम पिन पे कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एम पिन अपना एंटर की दे रहा हूँ और इसके बाद आपको दिखाता हूँ ये मेरा दूसरा वाला अकाउंट है जो मैंने लॉगिन किया है। तो ये देखिए मेरा जो है लॉगिन हो चुका है दूसरा अकाउंट भी, और यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप मेरा अकाउंट नंबर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दूसरा वाला अकाउंट नंबर मेरा आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए उसमें अकाउंट नंबर दूसरा था और यहाँ पर दूसरा अकाउंट नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप दोनों जो है इंटरनेट बैंकिंग एक ही फ़ोन में चला सकते हैं। इसके बाद जो है आप इसे लॉग आउट कर दीजिए, तो आप इसे देख सकते हैं कि मेरे दोनों ऐप जो है प्रॉपरली काम कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहाँ पर बात आती है उन प्यारे भाइयों के लिए जो MI का हैंडसेट न चला के कोई दूसरा हैंडसेट यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि MI के सेट में ये एक्स्ट्रा फंक्शन मिल जाता है आपको ड्यूल ऐप का, और भी काफ़ी सेटों में आ रहा होगा, मैं कह नहीं सकता। जिनके हैंडसेट में जो है ड्यूल ऐप का ऑप्शन है तो वो इस तरीके से ड्यूल ऐप क्रिएट कर सकते हैं, और जिनके हैंडसेट में नहीं है तो उनके लिए मैं आपको बता दूं वो सीधा चले जाएं अपने प्ले स्टोर पर। तो प्ले स्टोर में जाने का पैरेलल स्पेस को जो है डाउनलोड करना है, ये आप देख सकते हैं। प्ले स्टोर में नहीं जाना चाहे कोई दिक्कत नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, आप डिस्क्रिप्शन से जो है इसे ओपन करके डाउनलोड कर लीजिए। तो जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो इसका आइकॉन जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके सामने। पैरेलल स्पेस को जो है ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ओपन करने के बाद ये तो फर्स्ट टाइम इसे जब आप ओपन करेंगे थोड़ी सी इंस्टॉलिंग चलेगी। तो ये नीचे बिल्डिंग देखिए स्टार्ट का आ गया है, तो इसे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाएगा, लेकिन इसे जो है आप अनचेक कर दीजिए। जितने भी ऐप जो है ये चेक होकर आ रहे हैं इनको आप जो है अनचेक कर दीजिए। यहाँ पर केवल आपको वो ही चेक करना है जो आपको ड्यूल ऐप में कन्वर्ट करना है। तो फिलहाल मुझे करना है योनो ऐप का, तो यहाँ पे देखिए नीचे चलते हैं देखते हैं योनो ऐप आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अदर ऐप में जो है देखिए योनो ऐप नहीं आ रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि योनो ऐप क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर योनो ऐप नहीं आ रहा, उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट टाइम अगर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप कोई भी जो है एक ऑप्शन आप चुन लीजिए जिसे आप ड्यूल ऐप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी चुन सकते हैं। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ आपके क्या करना है। चलिए मैं यहाँ पर एक जो है अमेजोन को ही चुन ले रहा हूँ, ये ड्यूल ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे आ रहा है ऐड टू पैरेलल स्पेस, तो यहाँ पैरेलल स्पेस जो आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आ गया है, देखिए यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अब ये ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा ऐड ऐप का ऑप्शन, राइट साइड पे आप देख सकते हैं ऐड ऐप पे आपको जाना है। और ऐड ऐप पे जाने के बाद जो है अब आप इन सबको जो है अनचेक कर दीजिए, और अनचेक करने के बाद जो है आपको नीचे जाना है। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको एक जो है SBI योनो का यहाँ पर देखिए मिल जाएगा, ये आ रहा है। तो मैं इसे जो है चेक कर दूंगा और चेक करने ऐड पैरेलल स्पेस पे कर दूंगा। तो ऐड पैरेलल स्पेस पे करने के बाद जो है ये हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप दूसरे ऐप को नहीं चाहते हैं क्रिएट करना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जैसे फेसबुक अमेजोन आ रहा है तो आपको इस पर थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, और राइट साइड पे एक डिलीट का आएगा तो इसके स्क्रॉल करके जो है डिलीट के ऊपर रख देना है। तो ये जो है यहाँ पे डिलीट के लिए मांगेगा तो इसे डिलीट कर दीजिए। तो ये यहाँ से डिलीट हो गया है, इसे क्लोज कर दें। अमेजोन को भी अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो इसे भी आप जो है यहाँ से इसी तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों डिलीट कर दिए। अब यहाँ पर आप देखिए योनो आ चुका है, आप इसे चैत बंद कर लीजिए। अब जब भी आप पैरेलल स्पेस को खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने योनो वाला आ जाएगा। अब सेम वही प्रोसीजर है, योनो को ओपन कर लीजिए यहाँ से आप, जैसे आपने उसमें फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था, तो इस तरीके से जो है आप लॉगिन कर लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था।
तो उसी तरीके से सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास एमआई का कनेक्शन नहीं है उनके लिए ये मेथड बिल्कुल इजी रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा, एग्जाइटिंग कस्टमर पे चले जाइए, यस पे कर दीजिए और यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर दीजिए। तो जो प्रोसेस मैंने अभी बताया उसी प्रोसेस के थ्रू ये जो है लॉगिन हो जाएगा और ये जो है आपका पैरेलल स्पेस में आ चुका है। यहाँ पे आप चाहें तो और भी ऐप जो है ड्यूल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप वगैरह जितने भी चाह रहे हो, जौन सा ऐप चाह रहे हो वो ड्यूल ऐप बना सकते हैं। आपके पास कोई भी हैंडसेट हो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एमआई का है तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एमआई में आपको ये एप्लीकेशन जो है अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। अगर एमआई नहीं है और आपके ऑप्शन और आपके फ़ोन में ये ऑप्शन भी नहीं है ड्यूल ऐप का, तो कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल स्पेस को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे जो है मैं कर दे रहा हूँ मिनिमाइज, ये देखिए। तो ये अब मेरे पास एक तरीके से देखिए तीन एप्लीकेशन हो चुके हैं, दो तो मैंने एंड्रॉयड हैंडसेट से ही बना लिए हैं और तीसरा जो है पैरेलल स्पेस में बन चुका है। अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे तीन अकाउंट को लॉगिन कर सकता हूँ एक ही हैंडसेट पे। तो इस तरीके से जो है एक ही हैंडसेट में आप दो तीन अकाउंट जो भी चाहें अपना लॉगिन कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट लॉगिन करने का कोई जो है मेथड डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लोग कमेंट कर रहे थे कि टू अकाउंट लॉगिन सेम डिवाइस में कैसे करें, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो देख के आप जो है ड्यूल या ट्रिपल अकाउंट अपना एक ही डिवाइस में जो है लॉगिन कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने योनो के बारे में आपको दो मेथड बताए हैं, तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, चाहे आप एमआई का हैंडसेट यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो। तो मैंने दोनों तरीके के आपको मेथड बता दिए हैं, आप जो है दोनों तरीके से जो है इसमें जो है तीन अकाउंट एक साथ में जो है लॉगिन कर सकेंगे अलग अलग इंटरनेट आईडी पासवर्ड डाल के। तो तीन अकाउंट की इंटरनेट बैंकिंग को आप जो है एक ही डिवाइस में यूज कर सकते हैं, वो भी परमानेंटली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जो पूरा समझ में आया होगा और आप जो है इसके और जो है आप इस वीडियो को देखने के बाद आराम से जो है अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार दोस्तों।